धन्यवाद 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 करते मेरे खुदावन जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा मेरे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। मेरे खुदावन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर आशीष दिया मेरे खुदावन, और आपने हमें संभाल कर रखा और अपनी महिमा के लिए अपनी स्तुति के लिए प्रभु जी हमें चुना है मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए शाम के वक्त में हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज दिन भर हमें संभाल के रखा, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा, हमें हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से प्रभु आपने हमें बचा के रखा। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग भी तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें, और आप हमारे पीछे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं, और आज के शाम के लिए प्रभु से आशीष मांगते हैं, ताकि आज के इस रात में प्रभु हमें सुख शांति की नींद प्रदान करे, हमें हर एक प्रकार के संकटों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से प्रभु हमें सुरक्षित रखे, क्योंकि प्रभु ही हमें सुरक्षित रखता है, हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है, वो अपने दूतों को भेज कर हमें विपत्तियों से छुड़ाता है। तो मेरे दोस्तों आप लोग तैयार हो जाएं प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। यदि आज आपके जीवन में कोई भी दुख समस्याएँ प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, तो आप उन चीज़ों को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि प्रभु बोलता है कि मांगने वालों को दिया जाएगा। यदि आज आप मांगेंगे तो प्रभु आपको देगा, और आपको हर एक दुख संकटों से, हर एक बीमारियों से, हर एक दुखों से आपको निकालेगा, आपको आज़ाद करेगा। प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, प्रभु के लिए सारा कार्य संभव है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 करते मेरे सर्वशक्तिमान इज़राइल के परम पावन मेरे पिता परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक याकूब के प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते मेरे खुदावन प्रभु जी। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता प्रभु जी। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं मेरे खुदावन प्रभु जी। आपने 90 साल की सारा को प्रभु जी बच्चे की आशीष दी, आपने हन्ना की प्रार्थना को, उनकी दुहाई को सुना मेरे खुदावन, और आपने उन्हें पुत्र दिया मेरे प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी आपने 2 मछली और 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खिलाया मेरे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते मेरे खुदावन प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा करते मेरे पिता। पिता परमेश्वर आपने अपने बल प्रदर्शन से मेरे प्रभु जी इजराइलियों को मिस्र देश से, गुलामियों से आज़ाद किया मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी आपने बड़े बड़े राजाओं को परास्त किया मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी आपने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया मेरे खुदावन प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, हम आपकी बड़ाई करते मेरे खुदावन प्रभु जी। आज के सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे खुदावन प्रभु जी। आप दयालु हैं मेरे पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे पिता। हम हर एक भाई बहनों को जो इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उनके परिवारों को प्रभु जी आपके पवित्र लहू से कवर करते मेरे खुदावन। हर एक लोगों को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते मेरे पिता प्रभु जी। हर एक लोगों के परिवार के, हर एक लोगों को प्रभु जी अपने पंखों की आड़ में ढक ले मेरे खुदावन प्रभु जी। हर एक विपत्तियों से, हर एक संकटों से, हर एक दुखों से मेरे खुदावन प्रभु जी आज के इस रात में उनकी रक्षा कर मेरे खुदावन, और उन्हें प्रभु जी हर एक विपत्तियों से, संकटों से बचा कर रख मेरे पिता प्रभु जी। आज के शाम के वक्त में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप जितने भी भाई बहन उनके परिवार में जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, दुखों में, कष्टों में मेरे पिता, बहुत दिनों से बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते मेरे खुदावन प्रभु जी, आज आपके नाम से प्रभु जी वो लोग उठे और चले फिरे, क्योंकि प्रभु जी आपने 38 वर्ष के रोगी को कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर मेरे खुदावन प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी आज ये आपके नाम से मेरे खुदावन उठे और चले फिरे मेरे खुदावन प्रभु जी। आपकी महिमा हो मेरे खुदावन प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करें मेरे खुदावन मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना कर उन सारे रोगियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी, जो लोग आज के इस दिन में मेरे खुदावन, जिनके परिवारों में मेरे प्रभु जी दुख है प्रभु जी, जो लोग निराश है मेरे खुदावन प्रभु जी, उनके जीवन में शांति बरसा। आप ही सच्चे शांतिदाता है मेरे खुदावन प्रभु जी, आप में ही सच्ची शांति है मेरे पिता प्रभु जी। हम लोगों को और जो लोग दुख है और जो लोग दुखों में, निराशाओं में मेरे खुदावन, उनके परिवारों में मेरे पिता अपनी शांति बरसा, अपनी करुणा, अपना दया, अपना प्रेम बरसा मेरे खुदावन प्रभु जी। उन लोगों को अपने प्रेम से, अपनी दया से भर दे मेरे पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते मेरे खुदावन प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुहाई को सुनते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। आपने बोला है कि जो मेरी दुहाई देगा मैं उनकी पुकार को सुनूंगा, मैं उन्हें विपत्तियों से छुड़ाऊंगा, अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वे जाए और उनको विपत्तियों से छुड़ाए, उनकी रक्षा करें मेरे खुदावन प्रभु जी।
आप ही हमारी रक्षा करते हैं, आप ही हमारे सहायक हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप ही हमें बल देते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, आप ही हमारे चट्टान हैं, हमारे गढ़ हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता। और आज के शाम में जितने भी भाई बहन मेरे खुदावन प्रभु जी आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु जी, दिल खोलकर अपनी समस्याओं को आपके सामने आपके सम्मुख रख रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, उनकी हर एक प्रार्थना को उनकी हर एक विनतियों को मेरे खुदावन आज तो सुन मेरे प्रभु जी, और उनके जीवन में एक प्रभु जी शांति, एक प्रकार की प्रेम, एक प्रकार की सफलता उनके जीवन में दे मेरे खुदावन प्रभु जी, उन्हें हर एक चीज़ों में प्रभु जी, उनके हर एक कार्यों में प्रभु जी उन्हें सफलता मिले, उन्हें प्रभु जी हर एक कार्यों में प्रभु जी आपकी महिमा दिखे, आपकी आशीष दिखे मेरे खुदावन प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते मेरे खुदावन और आपसे मांगते मेरे पिता प्रभु जी। आप जितने भी भाई बहन मेरे खुदावन जिन घरों में आज गरीबी है, कंगाली है मेरे खुदावन, बहुत सारे लोग मेरे प्रभु जी आज निराशा होंगे गरीबियों में प्रभु जी, कंगालियों में मेरे पिता प्रभु जी, उन लोगों पर दया कर मेरे खुदावन, उन लोगों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते, उनके परिवार के उनके घरों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन, उनके जीवन से हर एक घटी कमी को दूर कर मेरे प्रभु जी, प्रभु जी उन्हें हर एक कंगालियों से दूर कर मेरे पिता, अपने आकाश रूपी भंडार को खोल दे मेरे पिता, और उनके घरों में प्रभु जी धन की आशीष बरसा दे मेरे खुदावन प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी कोई भी कंगाली ना रहने पाए मेरे खुदावन, मेरे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, उनको हाथों में सौंपते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, उन भाई बहनों पर दया कर मेरे प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन जितने भी माताएं पिताएं प्रभु जी इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उनके परिवारों में यदि उनके घरों में प्रभु जी कोई भी गलत रास्तों में नशे में है प्रभु जी, व्यभिचार में पड़े हुए मेरे पिता प्रभु जी, गंदे आदतों में घिरे हुए मेरे खुदावन प्रभु जी, शैतान की जकड़न में मेरे खुदावन प्रभु यीशु के नाम से वो लोग आजाद हो जाए, हम उन लोगों को प्रभु यीशु के लहू से कवर करते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित लहू से हम कवर करते हैं, वो लोग हर एक प्रकार के दुष्टता से बीमारियों से हर एक प्रकार के गंदे आदतों से व्यभिचार से मुक्त हो जाए प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया मेरे खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोगों के बच्चे कहने नहीं मानते, गलत रास्ते पे हैं, उनके मम्मी पापा के बातें को नहीं मानते मेरे खुदावन प्रभु जी, वे आज से प्रभु जी आपके अनुग्रह उन पर उतरे मेरे खुदावन प्रभु जी, वे हर एक परिवार के लोगों को अपने बड़ों का कहना माने और सही रास्ते पे चले, हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावन प्रभु जी। आज के इस रात में हर एक भाई बहनों को सुख शांति की नींद प्रदान कर, और हर एक दुष्ट आत्माओं से बीमारियों से प्रभु जी संकटों से विषैले जीव जंतुओं से मेरे खुदावन आज के इस रात में रक्षा कर मेरे पिता। मेरे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, और प्रभु जी आपके हाथों में आपके लहू से ढकते मेरे खुदावन प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।